Hey everyone, welcome back to my channel which is Live Life with Beauty and here I am Priya Shivam. तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक और ये लुक मैंने दूल्हे की बहन को नज़र में रखते हुए क्रिएट किया है. उम्मीद करती हूँ ये लुक आपको पसंद आएगी और हाँ इस लुक को मैंने काफ़ी इजी तरीके से क्रिएट किया है. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले फेस मॉइस्चराइजेशन से स्टार्ट करते हैं. तो जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की जेल मॉइस्चराइज़र और मैंने फेस वॉश करने के बाद फेशियल ऑयल आलमंड फेशियल ऑयल अप्लाई कर लिया था इसलिए मैं सिर्फ और मॉइस्चराइजेशन के लिए पॉन्ड्स की जेल मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई करी है. अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ करेक्टो जो कि है स्विस ब्यूटी की और ये बहुत अच्छी है, बहुत क्रीमी है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है. तो मैं अपर आईलिड पे और थोड़ी सी अंडर आईज़ पे सबसे पहले इसे अप्लाई करूँगी बिफोर कंसीलर. अगर आपके पास करेक्टर कोई भी ना हो तो आप ऑरेंज लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो और ये अनइवन स्किन को अच्छे से बैलेंस करती है. ऑरेंज कलर की करेक्टर जो होती है, जो भी डार्क सर्कल्स है, थोड़े से अनइवन स्किन होती है, जो भी उसे अच्छे से इवन आउट करती है. तो उसके बाद मैंने अपने स्किन टोन से वन शेड लाइटर इस पैलेट में से ही मैंने एक कंसीलर पिक किया है. उसे अच्छे से मैंने ब्रश की मदद से पहले अप्लाई कर लिया है, देन मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे डैप करते हुए ब्लेंड कर दिया है. उसके बाद मैं पूरे कंसीलर को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर रही हूँ. बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है आपको, डैप करते हुए पाउडर अप्लाई करना है जिस तरीके से आपने ब्लेंड किया है एग्जैक्ट उसी तरीके से आपको ब्लेंड करना है. उसके बाद मैं अंडर आईज़ को भी कंसील कर रही हूँ. मैं एक्स्ट्रा कंसीलर बाद में अप्लाई नहीं करूँगी तो फर्स्ट मैं फाउंडेशन से पहले ही मैं कंसीलर अंडर आईज़ में अप्लाई कर ले रही हूँ. सेम कंसीलर को मैंने अंडर आईज़ में ब्रश की मदद से पहले अप्लाई करा और ये इतनी ज़्यादा क्रीमी है, इतने अच्छे से ग्लाइड हो जाती है आपके स्किन पर, बहुत ही जल्दी अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाती है. तो जैसा कि आप देख सक रहे हो ये किस तरीके से ब्लेंड हो रही है, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाती है बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से. तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो अनडाउटली आप इसे परचेस कर सकते हो. अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जिसके लिए मैंने लिया है इनसाइड की प्राइमर. अगर आपकी कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है तो ये प्राइमर आपके लिए बेस्ट है और ये सिलिकॉन बेस्ड है तो बहुत अच्छे से आपके पोर्स को फिलन अप कर देती है. अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ. फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है मेबलिन की और जो मेरा नंबर है 128 वार्म न्यूड. इसे मैंने सबसे पहले ब्रश की मदद से अच्छे से डॉट्स देते हुए अप्लाई कर लिया है. उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. बिफोर फाउंडेशन या बिफोर मेकअप बेस अगर आप अच्छे से स्किन केयर करते हो तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से स्मूथ तरीके से ये ब्लेंड हो जाती है. बिल्कुल भी कैकी नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी कहीं से भी क्रैक नहीं होगी. तो कोशिश करें मेकअप करने से पहले अच्छे से स्किन केयर कर लें, मॉइस्चराइज़ कर लें अपने स्किन को ठंडा. तो अच्छे से सीरम फेशियल ऑयल अच्छे से लगाने के बाद ही मेकअप करना स्टार्ट करें. आफ्टर फाउंडेशन मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ अपने अंडर आईज़ एरिया को, जहाँ पे मुझे लगते हैं कि थोड़ी सी क्रीज आने के चांसेस हैं तो उस एरिया को मैं स्पेशली सेट कर रही हूँ. आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि विंटर टाइम में तो ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट आप यूज़ अगर ना भी करो तो चलता है, बट मुझे पसंद है अंडर आइज़ को सेट करना. उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और मैंने लिया है सबसे डार्कर ब्राउन शेड और उसकी मदद से मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ. आप अपने आईब्रो के जो हेयर कलर है उसके अकॉर्डिंग ही पिक किया करें हमेशा शेड. तो उसके बाद अब आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने लिया है लाइट ब्राउन शेड और उसकी मदद से मैं क्रीज बिल्ड करूँगी. सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है मेकअप का फर्स्ट स्टेप क्रीज बिल्ड करना, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लाइट शेड लिया, उसके बाद मैंने आउटर वी पे फोकस करते हुए क्रीज को बिल्ड किया है सबसे पहले. उसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया, फिर उसे आउटर वी पर मैंने पहले डिपॉजिट किया है. तो सबसे पहले डिपॉजिट करने के बाद उसे हल्के हल्के ब्रश को इनवर्ड्स डायरेक्शन में आपको ब्लेंड करना है. उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लीन ब्रश लिया है, उसे अच्छे से दोनों शेड्स के एजेस को मैंने ब्लेंड कर दिया है और कॉर्नर को मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क रखा है. तो आई मेकअप का मेन यही शेडो इफेक्ट ही होता है, कॉर्नर हमेशा डार्क होनी चाहिए, उसके बाद मीडियम, देन इनर कॉर्नर में लाइट. तो यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ हाफ कट क्रीज जिसके लिए मैंने बहुत छोटू सा एक ब्रश लिया है ताकि बिल्कुल भी ये कलर बाहर की और कंसीलर ना अप्लाई हो, सॉरी. तो इस तरीके से मैंने पहले कंसीलर अप्लाई कर लिया है हाफ कट क्रीज करने के लिए. उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट कर ले रही हूँ. नेक्स्ट मैं यहाँ पे से ले रही हूँ एक शिमर शेड, सॉफ्ट शिमर शेड बोल सकते हो या
नहीं फॉल शेड भी बोल सकते हो, सिमर शेड भी बोल सकते हो, बट ये थोड़ी सी सॉफ्ट शिमर है। तो उसमें से मैंने एक रेड शेड लिया है, उसे मिड पे आई बॉल के मिड पे से अप्लाई किया। मैं पूरे के पूरे अपर आई लिड पे से अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने लिया है कॉपर गोल्ड शेड जो सेम पैलेट में से थी, और उसे इनर कॉर्नर में मैंने अप्लाई किया है, ठीक रेड सिमर शेड के फर्स्ट में मैंने उसे अप्लाई किया है। एग्जैक्ट इनर कॉर्नर पे आप नहीं बोल सकते, फर्स्ट पार्ट में मैंने अप्लाई कर लिया। तो इस तरीके से मैंने दोनों आंखों को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया स्विस ब्यूटी की जेल लाइनर, जो कि काफ़ी 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 अच्छी है, बहुत स्मूथ, बहुत ही क्रीमी है। तो इसे मैंने एक स्मॉल एंगुलर ब्रश की मदद से एक थिन लाइनर ड्रॉ कर लिया। तो उसके बाद जो भी हल्के फुल्के जो भी शेड्स फॉल आउट हुए थे उसे मैंने क्लीन किया है। अब मैं फॉल्सेस अप्लाई करने वाली हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, फॉल्सेस अप्लाई करने से पहले लैश को अच्छे से कर्ल कर लेनी चाहिए, ताकि आप जो भी फॉल्सेस अप्लाई करें वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके बाद मैं यहाँ मार्स की मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी है। मार्स और इनसाइट्स के प्रोडक्ट तो इन बजट बहुत बहुत अच्छे हैं, सीरियसली। तो अब मैंने ऑफ कैमरा फॉल्सेस अप्लाई कर ली है। तो अब मैं लोअर लैश लाइन पर शेड अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मैंने लिया है, सबसे पहले मैंने जो क्रीज लाइन पर शेड अप्लाई किया था उसे और डार्क ब्राउन शेड दोनों को मिक्स करते हुए मैंने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है स्ट्रेकोएकी की काजल, जो कि काफ़ी जेट ब्लैक है, साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग और स्मच प्रूफ भी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ी बहुत कॉन्टोरिंग, इसके बिना आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, फ्लैट दिखता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, जैसे कि जॉ लाइन को मैंने किया है और थोड़े से चेक्स को किए हैं, नोज़ को कर रही हूँ बहुत, नोज़ को मैं बहुत थोड़ा लाइट कॉन्टोरिंग करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे डीप कॉन्टोरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत हैवी लाउट दिखती है। तो इसलिए अब यहाँ पे ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, साथ साथ इनर कॉर्नर को भी मैं हाईलाइट करूँगी, जिसके लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी की हाईलाइटर, जिसमें से मैंने सारे शेड्स को मिक्स करते हुए इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ मैंने लिया है मार्स की ब्लश पैलेट, उसमें से मैंने ये सॉफ्ट कोरल शेड पिक किया, जो कि मेरी फेवरेट है, बहुत नेचुरल इफेक्ट देती है ये, इसलिए मैंने उसे ही अप्लाई किया और बहुत लाइट में। देन मैं हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ही, जो भी आपके फेस के हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। इन द लास्ट मैं पूरे मेकअप को मेकअप फिक्सर से सेट कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी की मेकअप फिक्सर है और ये बहुत ड्यूई लुक देती है आफ्टर इफेक्ट। तो उसके बाद मैंने जो भी एक्सेस थी उसे डैम करते हुए बैलेंस आउट कर दिया है। सो इन द लास्ट लिपस्टिक, तो लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप बाम जरूर अप्लाई कर लें, उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है पर्पल की अल्ट्रा एचडी मैट लिपस्टिक, जो कि कम्प्लीटली मैट है बट ड्राई बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत स्मूथ रहती है आपके लिप्स पे, बिल्कुल भी वेटलेस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रेड है, तो मेरे आई लुक के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जा रही थी, तो इसलिए मैंने इसे बैलेंस किया है एक ब्राउन लिप लाइनर के साथ। तो ब्राउन लिप लाइनर को मैंने आउटर एरिया में से अप्लाई किया है, पूरी तरीके से इसे फिल नहीं करना, बस मैंने आउटर एरिया में से अप्लाई कर लिया है। अब आप देख सकते हो आफ्टर लिप लाइनर इफेक्ट कितने अच्छे से ये बैलेंस हो रही है। तो हमेशा लिप शेड वो आप चूज़ करें जो आपके आई लुक के साथ कॉम्प्लीमेंट करें। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने ये लुक को क्रिएट कर लिया। सो गर्ल्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये लुक अच्छी लगी होगी, जो कि मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से क्रिएट किया है, बिल्कुल फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट के साथ ही। मैं यूजली मेकअप करना पसंद करती हूँ, तो इसे आप बहुत अच्छे से अपने भाई की शादी हो या फिर जिसकी भी शादी में आप जाने वाले हो, इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।